दबंग के खिलाफ महिला ने दिया थाने में प्रार्थना पत्र। जसपुरा बांदा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे कितने दावे कर रही है कि महिलाओं पर अत्याचार कम हो रहे हैं, लेकिन बांदा में महिलाओं पर अत्याचार निरंतर जारी है। एक ऐसा ही मामला देखने को मिला। एक वो गाड़ी वाला आ जाता है 100% लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं इस समय दुरेड़ी क्रॉसिंग के पास खड़ा हूँ। देखते देखते पूरा ये पुल ढा गया है और शासन प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही समझ में आ रही है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ खड़ा होता तो निश्चित तौर पर बड़ी मौतें हो सकती थी। यहाँ बहुत बाल बाल बचे यहाँ के लोग, और आपको बता दूं जैसे मैंने कई लोगों को यहाँ देखा, उनको रोका गया कि आप यहाँ से न निकलिए। पूरा पुल दुरेड़ी का ढा चुका है और सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ से ना आए। पूरा कस्बे के सुभाष चंद्र शिवहरे व उसका लड़का गौरव, जो आए दिन महिला को धमकी देता है और कहता है कि तुम मेरे कहने से एक लड़के को फंसा दो जिससे मेरी मौसी व परिवार के लोग भी पूरा सहयोग करते हैं, जबकि वह लड़का बाहर रहकर पढ़ाई करता है। साथ ही उक्त दबंग सुभाष चंद्र के द्वारा मेरे परिजनों व रिश्तेदारों में कहता है कि उस लड़के को फंसा दो। जब मैं सुभाष चंद्र से कहा कि क्यों इस तरह कर रहे हो, तो मुझे भी गाली गलौज किया और जान से मारने की धमकी दी। कहा कि यह नहीं करोगी तो तुम्हें भी सभी जगह बदनाम कर दूंगा कि तुम बदचलन और हो और दूसरे लड़कों के साथ रहती हो। इसकी वजह से मेरा पति मुझे आए दिन मारता पीटता है, साथ ही मुझे अपने साथ नहीं रखता। जब पूरे मामले की जानकारी पहलानी थाना प्रभारी से ली गई तो उसने बताया कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ और मामले को जांच कर रहा।